सभी भक्तजनों को सप्रेम। अब तो आपकी एक जिज्ञासा आई है कि धर्म की उत्पत्ति आस्था से होती है या सत्य से। धर्म सत्य का दावा करता है और परखने पर असत्य सिद्ध होता है। यह तो अवश्य है कि धर्म जो है उसका मूल स्रोत तो सत्य ही है। सत्य मूलम नमाम्यहम्, सत्य स्वरूपम सत्येशम, सत्य बीजम सनातनम, सत्याधारम च सत्यज्ञम, सत्य मूलम नमाम्यहम्। तो धर्म जो है वह सत्य ही है। आस्था तो आप किसी भी चीज में जो आपको प्रतीत होती हो कि सत्य है उसमें हो सकता है, या आप सत्य पर ध्यान भी नहीं दें और आप आस्था किसी चीज में रख लें। लेकिन सत्य जो है धर्म का आधार वही है। जो आस्था होती है वह भी इसीलिए होती है कि कोई सत्य का बोध हो या सत्य का भ्रम हो, इन्हीं दोनों के कारण ही आस्था आती है। वास्तविक आस्था तो आती है सत्य से ही, लेकिन एक सत्य सिद्ध है और एक सत्य जो है सिर्फ कल्पना है, मान्यता है। तो मान्यता के आधार पर जो आस्था होती है वह अंधविश्वास हो जाती है और उसके आधार पर धर्म हो जाता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि धर्म सत्य का दावा करते हैं। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि मैं झूठ के आधार पर टिका हुआ हूं। सभी धर्म कहते हैं कि हाँ 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 सत्य तो हमारे ही पक्ष में है और दूसरे मत के पक्ष में तो सिर्फ असत्य ही है, दूसरा धर्म झूठा है, सिर्फ मेरा ही धर्म सच्चा है। ये सभी धर्म वाले कहते हैं। परंतु सत्य एक ऐसी चीज है जिसको कि परखा जाता है, जिसको खाली दावा से नहीं बल्कि प्रमाण से भी सिद्ध करना पड़ता है। तो जो भी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं सत्य कह रहा हूं, हमारा धर्म ही सत्य कह रहा है, हमारा धर्म सही है, तो उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। दावे तो सभी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या सभी सिद्ध कर पाते हैं? अधिकतर तो तर्क से भाग ही जाते हैं, अधिकतर तो सत्य की जहाँ बहस हो रही है वहां से भाग जाएंगे और गाली गलौज करने लगेंगे, झगड़ा झंझट करने लगेंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और प्रश्न करने वाले का ही मुंह नोचने लगेंगे। यह बात बिल्कुल ही सत्य है, यही अब तक देखा जाता है। तो परखने पर असत्य सिद्ध होता है, बात सही है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर जितनी चीजें हैं उन सबको परखने के बाद जो उसमें सही सिद्ध होता है उसको माना जाए, वही धर्म है। जो सार्वभौमिक सत्य होता है वही धर्म होता है, और सार्वभौमिक सत्य किसी अनुवाई होने का मोहताज नहीं करता है। तो अनुवाई तो कहेंगे कि ये धर्म है, धर्म है, लेकिन जब दूसरे लोग जो अनुवाई नहीं है वे भी जब कहने लगे कि नहीं ये सत्य है, उसको मान लें, तो उसको समझना चाहिए सही है। तो किसी भी धर्म के खिलाफ में जो दूसरे लोग खड़े हैं, अन्य मत वाले या विज्ञान को मानने वाले या जो नास्तिक है, वे जब वे भी यह मान लेते हैं कि नहीं ये सत्य है, और कैसे मानेंगे भैया? प्रयोग से उनको मनाएंगे या कोई तर्क देंगे? बिना तर्क के तो कोई मानेगा नहीं। वो व्यवहारिक होना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए, उसका दोहराव होना चाहिए। तो जब आप इसे प्रमाणित कर देंगे तो सभी लोग मानने के लिए बाध्य होंगे।
जो झगड़ा झंझट करने लगे, जो गाली गलौज करने लगे, जो दाएं बाएं देखने लगे, जो प्रश्न करने पर चुप हो जाए या प्रश्न कुछ और कर रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि असत्य ही असत्य है, सत्य तो है ही नहीं। तो यह बात आपकी सही है कि अधिकतर असत्य ही सिद्ध होते हैं। तो अब देखिए कि किन धर्म में किन किन सी बात से सही है, जो बात सही सिद्ध हो जाए, प्रमाणित सिद्ध हो जाए, फिर वही धर्म होता है। तो जिन लोगों ने अपने धर्म का आधार कल्पना मान लिया है, या जिन्होंने खोज नहीं की बल्कि गढ़ लिया अनुयायियों को बनाने के लिए, या किसी कौम को मजबूती दिलाने के लिए, या किसी कौम के लिए कुछ मनोरंजन का साधन जुटा दिया, कुछ कहानियां जुटा जोड़ दी गई, कुछ किस्से में फेरबदल कर दिया गया, कुछ उसमें फिलॉसफी भी घुसा दी गई, कुछ विज्ञान भी घुसा दिया गया, मतलब कुछ कुछ घुसा करके उस तरह से कि ये जो है खिचड़ी पका करके प्रस्तुत कर दिया गया। वह खिचड़ी कितने को हजम हो रही है, कितने को उल्टी हो रही है, तो वक्त के हिसाब से देखा जाता है। तो सभी मतावलंबियों को तर्क से गुजरना पड़ेगा, कसौटी पर उनके सिद्धांतों को कसना पड़ेगा, उनके विचारों को देखना पड़ेगा, और उन्हें विज्ञान के सामने आने से घबराना नहीं चाहिए। वे भी विज्ञान को जज करें, विज्ञान भी उनको जज करेगा। यह नहीं है कि विज्ञान की सारी बातें ही सही होगी, विज्ञान भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता है, लेकिन धर्म जान सकता है। तो धर्म जो दावा करता है कि हम जानते हैं, हम सही हैं, तो वह सामने आए सिद्ध करे, और जो सिद्ध नहीं करेगा तो वह अंधविश्वास होगा। तो उसको लोग आस्था कह रहे हैं या कह सकते हैं, लेकिन वह आस्था भी सही आस्था नहीं होगी। आस्था का आधार जो है, आस्था का मतलब क्या होता है, स्थित होना, कहाँ, सत्य में। तो आस्था जो है स्थित है सत्य में, तो सत्य में जो स्थित है, अनंत में जो स्थित है, और जो है वो अनंत से है, अनंत में स्थित हो जाना ही आस्था है। तो अनंत में स्थित हो जाना, अनंत क्या है, ब्रह्म ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म ही अनंत है, वही सत्य है, वही ज्ञान है, तो आस्था भी वही है। लेकिन झूठी आस्थाएं भी बन जाती हैं। तो अब क्या झूठा है, क्या सत्य है, तो सबसे पहले तो जो वह मानता है वह सिद्ध करे, अपने को प्रस्तुत करे। तो सभी के ग्रंथ और सभी के गुरु जो हैं, वे प्रश्नों के सामने आए और प्रमाणित करें। जितने अंश में प्रमाणित हो जाएंगे, उतने अंश में सत्य सिद्ध हो जाएंगे, उतने अर्थ में धर्म सिद्ध होंगे, बाकी अर्थ में वे अंधविश्वास सिद्ध होंगे धर्म। हरिओम।